48,000 एप्पल क्यों? 48,000 में 4,000 रुपए लगा के आईफोन XR मिल जाता, जिसकी बैटरी इनहेंस मिलती, परफॉर्मेंस A12 मिलेगी उसके अंदर। लेकिन दोस्तों अब फायदा एप्पल क्यों? एप्पल क्यों भाई, सब लोगों को लूटे जा रहे हैं एप्पल यहाँ पर इंडिया के अंदर, कोई फायदा नहीं है इसका। फाइनली मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई अनबॉक्सिंग के साथ। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आईफोन SE 2020 को, जो कि अभी हाल ही में आया ही है। तो दोस्तों मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आईफोन 7 और आईफोन SE दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम है, यहाँ से चिपका के यहाँ डाल दिया। मतलब कि कोई फायदा नहीं है इस फोन को लेने का, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर हर एक चीज सेम टू सेम डाली गई है और प्राइस 20,000 इनहेंस कर दिया है। मुझे तो कहीं से बिल्कुल अच्छी चीज नहीं लगी, क्योंकि 20,000 हम दे रहे हैं सिर्फ एक बायोनिक चिप A13 की। इसके अंदर सिर्फ एक चिप को चेंज किया गया है और ओवरऑल चीज इसके अंदर बिल्कुल कॉपी इसके अंदर डाली गई है। मैं फटाफट करता हूँ इस फोन की अनबॉक्सिंग और दिखाता हूँ इसकी हर एक, इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसकी हर एक चीज बढ़िया जो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये है मेरे पास आईफोन SE का बॉक्स, जिसके सामने ये बात की जाए बॉक्स की, तो सामने हमें इसके आईफोन SE के जो टिपिकल डिजाइनिंग है वो देखने को मिलती है। बॉक्स के साइड में हमें आईफोन देखने को मिलता है, इसके पीछे हमें इसके कुछ मेन डिटेल्स हाईलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि ये फोन हमारे पास 128GB वेरियंट में है और ये ब्लैक कलर का ये फोन हमारे पास है, जो की डिजाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया। तो दोस्तों मैं करता हूँ इस फोन को फटाफट अनबॉक्स। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ पेपर वर्क और सिम ट्रे टूल इजेक्टर, और इसी के अलावा यहाँ पर हमें दिए गए हैं एप्पल के कुछ लोगोज और कुछ पेपर वर्क। इसको हम करते हैं साइड, और दोस्तों इस पेपर वर्क के नीचे हमें हमारा देखने को मिल जाता है फोन, जो कि हमारा बहुत ही बढ़िया लुक देखने को मिल रहा है। क्या फील, ये जो बिल्कुल इसका जो फील है वो बहुत ही प्रीमियम फील हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम कर देते हैं इन सारी चीज़ों को साइड। इसकी ईयरफोन और मैंने चार्जर पहले ही निकाल लिया था, तो बॉक्स को कर देते हैं साइड। मैं फ़ोन के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो दोस्तों बॉडी बिल्ड की बात करें तो हमें ग्लास फ्रंट और ग्लास बैक में हमें दोनों साइड ग्लास देखने को मिल जाएगा, और इसकी बॉडी जो हमें देखने को मिलेगी वो एल्यूमिनियम फ्रेम की देखने को मिलेगी। इसकी वेट की बात की जाए तो ये 148 ग्राम का हमें देखने को मिलता है, और जो इसका लोगो आप देख रहे हैं और जो इस पर फील होता है, टच होता है, क्या बढ़िया इस पर टच देखने को हमें मिलता है। कैमरे की बात की जाए तो हमें यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का हमें कैमरा देखने को मिलता है, और क्वाड LED डुअल टोन की फ्लैश देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों साथ ही में बात कर लेते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू का। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ऊपर की साइड पे हमें यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक देखने को मिलता है, बिल्कुल प्लेन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर हमें म्यूट और यहाँ पर म्यूजिक रोकर्स देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं देखने को मिलता। नीचे की बात करें तो हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है, बीच में हमारे लाइटनिंग चार्जर देखने को मिलता है और एक प्राइमरी माइक देखने को मिलता है। राइट साइड की बात करें तो हमें यहाँ सिम ट्रे दिखती है और एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है। तो दोस्तों कर लेते हैं इसे फटाफट बूट, और आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट लोगो जो हमें देखने को मिलता है बूट करने पे, क्या कूल देखने को मिलता है। तो मैं बात करता हूँ इसके अंदर की कुछ बातें जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। A13 बायोनिक चिप जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इस फोन के अंदर, हमें स्पीड को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया इसकी स्पीड होने वाली है। इसी के अलावा अगर इसके बात की जाए इसके ग्राफिक्स की और इसकी स्क्रीन की, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्पीड हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी बॉडी बिल्ड तो मुझे बहुत ही मजबूत देखने को मिल रही है, जैसे कि मुझे हाथ में फील हो रही है, और हमेशा की तरह आईफोन की जो बॉडी हमेशा जो प्रीमियम फील होती है सेम वही फील हो रही है। और इसकी जो पुराने वाला जो इसकी डायमेंशंस हैं, जो हाथ में जो इसकी पकड़ है वो बहुत ही बढ़िया परफेक्टली से हम पकड़ सकते हैं, फोन गिरने का कोई चांस मुझे यहाँ दिखता नहीं है। तो दोस्तों फोन यहाँ पर हो गया है बूट, जहाँ पर हमें इसकी रेटिना IPS डिस्प्ले जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही कलरफुल देखने को मिल रही है। जहाँ पर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। इसके टच ID जो की है वो बहुत ही बढ़िया वर्क करती है, जो कि हमें आईफोन 7 आईफोन 8 में हमें देखने को मिलता था वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो हमें यहाँ पर इसका कैमरा बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इसके अंदर हमें मिल जाते हैं बहुत सारे मोड्स, जहाँ पर वीडियो स्लोमो और इसका टाइम लैप्स, जो इसके जितने भी फीचर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट के अंदर और पैनोरमा के अंदर हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छी इजीली यूज़ कर ही सकते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स इसके, जैसे यहाँ पे आपको सैंपल जो देखने को मिल रहे हैं। तो ये फ़ोन जो है ये हाथ में बहुत ही स्मूथ मुझे फील हो रहा है, हाथ से फिसलने की या फिर गिरने की, जो इसके प्रीमियम जो इसकी क्वालिटी है और इसके जो डिज़ाइन एप्पल ने जो तैयार किया है बहुत ही परफेक्ट तैयार किया है।
हाथ से बिल्कुल ग्रिप बहुत अच्छी बनती है इसी के अंदर। और दोस्तों ये जो इसकी जो फिनिशिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ मुझे फील हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंदर की, जहां पर हमें इसके चीजें जो देखने को मिलने वाली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अबाउट के अंदर जाके जहां पर अभी आपको ये देखने को मिल जाता है आईफोन एसई, जो कि ये वर्क कर रहा है A13 बायोनिक चिप पे, जो कि 128 GB इसके अंदर वेरियंट हमें देखने को मिल ही रहा है। बात करें इसके स्क्रीन के ब्राइटनेस की, जहां पर हमें 625 nits की मैक्स ब्राइटनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि एप्पल हमें यहाँ पर दे रहा है बहुत ही बढ़िया इसकी ब्राइटनेस, जो कि हमें धूप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्क्रीन को देखने में। दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जहां पर मैं आपको 4K वीडियो जिसमें मैं चला के दिखाई देता हूँ, जैसे आपको खुद ही दिख जाएगा कि जो इसकी स्क्रीन है वो बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन है। इसकी स्क्रीन के जो कलर्स के जो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो जैसे कि आप देख ही पाएंगे कि क्या इसके कलर्स हमें देखने को मिलते हैं, कितने रिच कलर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे ये वीडियो मैंने प्ले करी है तो यहाँ पर आप खुद देखिए कि कितने रिच कलर इसके अंदर, कितनी ब्राइटनेस जो इसके निट्स में हमें 625 nits के जो कलर्स दिए गए हैं वो क्या बेहतरीन कलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमें स्क्रीन को लेके, परफॉर्मेंस को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके एप्पल में हमें किसी भी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आईफोन एसई की वीडियो आपको कैसी पसंद आई है? तो वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ। मैं लेके आता रहता हूँ नए नए फोन की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो बाय।